हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसपी एजुकेशन। यही भिडियो में दशम श्रेणी समेटिव एसेसमेंट टू एग्जाम पाई विज्ञान विषय जीव विज्ञान पाठ माने वंशानुक्रम विवर्तन सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करवा। पूर्व मुझ तुम्हें सब्जेक्टिव इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भिडियो भौतिक विज्ञान तास जीव विज्ञान सबुजा पाठ इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िया कही देती बट यही भिडियो आम कौन करवा आम आंसर डिस्कशन करवा जो जो इंपोर्टेंट प्रश्न देती ना मुझार आंसर गुड़क आम एडियो आलोचना करवा। तो वीडियो को शेष पर्यंत निहा देखते समस्ते मुझ तुमको डिटेल्स में कहीदेवी कि पाठ जहाँ जहाँ किसी क्वेश्चन था सब आंसर गुड़ी तुमको कह भी कौड़ा केमी लिख सबकि कहि आप पीडीएफ जब पाइबा चाहो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक अच्छी क्लिक कर टेलीग्राम जॉइन कर सभी तुमको पीडीएफ भी मिलजिव। ओके चलो स्टार्ट करवा। देखो मोर क्वेश्चन कौन कौन थी। फर्स्ट नंबर वन हो मेडल को एकक संकरण परीक्षण बर्णना कर आउट हो दि संकरण परीक्षण जेको गोटे तुमको मैंने परीक्षा जेको गोटे आसपार बट दीजा तुम इंपोर्टेंट अच्छे तो फास्ट देखिए आम एकक संकरण कौन अच्छी देखक सरी देखक कहली भूल देख देख एटा तो आंसर अच्छी मेडल को एकक संकरण परीक्षा बुझाओ तो एमती लिखिए फास्ट कौन लिख ना एक जोड़ा से नहीं एक जोड़ा विकल्प गुण को नहीं परीक्षा आरंभ करते जोटे से कौन डेगा और गेड़ा है डेगाटा को सी प्रभावी भाव में आ जो गेड़ा थी अप्रभावी गुण भाव में प्रकट होता तो लेखा था किसी डेगा और किसी गेड़ा मटर गच्छ को नहीं मेडल लक्ष्य कले किसी डेगा गचर होता मंजी केवल डेगा गच और समस्त गेड़ा गचर मंजूर केवल गेड़ा गच हो मेडल एगुड़ी शुद्ध डेगा और शुद्ध गेड़ा आखिया देते तो शुद्ध डेगा कौटा ना डेगा गच गुड़ी डेगा गच गुड़ जो नूतन गच सृष्टि से ना देते कौन शुद्ध डेगा आ दुटा गेड़ा गच ना से देखिले जो गेड़ा गच है ना ताको शुद्ध गेड़ा बोली से ना देते आपको ना कौन पेरेन्ट्स पैतृक गच भाव से ना दे शुद्ध डेगा शुद्ध गेड़ा यह दुटा गच कौन ना दे पैतृक गच भाव से ना देते व्यवहार करते प्रथम पीढ़ी आसला द्वितीय पीढ़ी ठीक अच्छे प्रथम पीढ़ी मैंने कौन जोटा कि एफ वन तापर द्वितीय पीढ़ी विषय मतलब सेट लिखी बोधा थी कौन येस ये देख ठीक द्वितीय पीढ़ी विषय ठीक अच्छे तो डिटेल्स लिखाई मैं पढ़ुने टाइम वेस्ट हम तुम आपको स्क्रीनशॉट करो कि टेलीग्राम अच्छे पाई समस्ते है तुमने पाइबार फीडबैक पूरा तप नेक्स्ट देख नेक्स्ट अच्छे आउ गोटे क्या जानना द्वितीय पीढ़ी जो से परीक्षा करते कौन आसाना तीन टा डेगा आसो गोटे गेड़ा तेनाली अनुपात कले कौन आसना तीन अनुपात एक आस ठीक अच्छे तीन टा डेगा गोटे गेड़ा डेगा तीन टाइम कौन गोटे टी टी डेगार आसाला कैपिटल डी को स्मॉल टी कौन आम शंकर जातीय डेगा आसाला आउ गोटे कैपिटल डी को स्मॉल टी थी ये कौन सही आम शंकर जातीय डेगा आउ गोटे स्मॉल डी को स्मॉल टी बुझल ठीक अच्छे मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी जोड़ी मिसाला सीटा कौन आसा तुम शंकर जातीय डेगा आसा यहाँ आम आसा शुद्ध गेड़ा आसा शुद्ध डेगा एमती कर चार एफ टू पीढ़ी द्वितीय पीढ़ी ए प्रकार आसाला ठीक अच्छे तो मन रख ये लिखे समस्ते आसा द्वि संकरण परीक्षण द्वि संकरण परीक्षण केवल ये अच्छे ये से कौन दुई जोड़ा विकल्प गुण नहीं थे सेठी कौन नहीं केवल डेगा और गेड़ा नहीं थे प्रथम संकरण में कितु एक संकरण में कि दुई संकरण से कौन नहीं कलर नहीं था सहित मानने कौन गोल हलिदा गोटे प्रकार नहीं थे आउ गोटे प्रकार से कौन रखी थे जोड़ाक कि स्मल आरआर मैं जो शगुआ दे सरी स्मल आर मैंने खदर आउ गोटे स्मल आई मैंने शगुआ एमती कर मैंने कौन से चार्टा गुण देखी थे दुई जोड़ा विकल्प गुण दुई जोड़ा विकल्प गुण मैंने कौन गोल हलदिया आउ खदड़ा को शगुआ ए प्रकार नहीं से परीक्षा कर देखी थे ठीक अच्छे आर मत एफ वन पीढ़ी देखी थी एफ टू पीढ़ी से लक्ष्य करते मेठी अनुपात कौन आसाला नौ अनुपात तीन अनुपात तीन अनुपात एक आसाला तो यह द्वितीय संकरण परीक्षण तापर तो दुईटा समस्त भले पड़ो है कौन प्रश्न भी छाड़बन। नेक्स्ट हूँ डारविन का तत्व बर्णना कर आधुनिक सांस्कृतिक तत्व बर्णना कर बट ए भितर ना आधुनिक अपेक्षा डारविन टी इंपोर्टेंट अच्छी देखिए तो डारविन मुझे आधुनिक आनी बही भितर अच्छे तुम बहुत खोजिकी करपर ठीक अच्छे बट मुझे डारविन का तत्व नहीं कि आस देख समस्ते येस एटी अच्छे है डारविन का तत्व विषय पूरा बर्णना है ये उत्तर अच्छे प्लस ये मत आंसर अच्छे। ओके चलो नेक्स्ट नेक्स्ट हूँ तुम संतान लिंग निर्धारण किपर कराए यह मत प्रश्न आसपार तार आंसर ये लिखा देख संतान लिंग निर्धारण किपर हो पूरा आंसर ये अच्छे डिटेल्स मैं जमी कहला कि पिता पाखे कौन गुणसूत्र अच्छे एक्स वाई अच्छी माता पाखे एक्स एक्स अच्छे ए जिनस जी जानदेला सी पूरा ए नंबरटा करदेव जदि पितार वाई आसला मातार एक्स आसला जो हम आम सी कौन एक्स वाई हम पुव जन्म हम जब पितार एक्स आसला मातार एक्स आसला एक्स एक्स हम सी कौन हम झी बास कनसेप्ट होता आपको खाली से डिटेल्स लिखा है अटोजम आउ लिंग गुणसूत्र एमती करके
ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଆର ମଧ୍ୟ କେତେଟା ବିଟ୍ ଅଛି, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରିଟା, ଚାରିଟା ବିଟ୍ ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଫୋର୍ଥ ଫିଫ୍ଥ, ପାଞ୍ଚଟା ବିଟ୍ ଅଛି, ଭଲରେ ପଢ଼ିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ତୁମର ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କ ଏକକ ଗୁଣନୀତି ଏବଂ ପ୍ରଭାବୀ ଗୁଣନୀତି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ସମଜାତୀୟ ସମଜାତ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନୁପୀ ଅଙ୍ଗ, ଦୁଇଟା ତୁମକୁ ଦେଖିବେ ଚାଲ ଏବେ ଦୁଇଟା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏକକ ଗୁଣନୀତି, ଏଠି ଆନ୍ସର ଅଛି, ଏଠି ଥିବ ତ ଆନ୍ସର ଏକକ ଗୁଣନୀତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରଭାବୀ ଗୁଣନୀତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭାବୀ ଗୁଣନୀତିର। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ସମଜାତ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନୁରୂପ ଅଙ୍ଗ, ଇଏ ହେଉଛି ସମଜାତ ଅଙ୍ଗର ଆନ୍ସର ଏବଂ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର କ'ଣ ଅନୁରୂପୀ ଅଙ୍ଗର ଆନ୍ସର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏତିକି ଥିଲା ତୁମର କ'ଣ ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର୍ସ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ସାଂସ୍କୃତିକତା ତୁମେ ଏଇଟା ତୁମେ ଟିକେ ବହିରୁ ବାହାର କରି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ, ତାର ଆନ୍ସର ମୁଁ ଆଣିନି, ତୁମେ ନିଜେ କରିପାରିବ ବହି ଭିତରେ ଅଛି ଆନ୍ସର। ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାର ପରପାଠ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବା। ଚାଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।